रोमन रेंस ने बताया कि उन्हें कौन से टाइप का ल्यूकीमिया था। डीन एम्ब्रोज शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को ना छोड़े। और रोंडा राउजी का आज हील टर्न क्यों हुआ जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत की जाए रोंडा राउजी की न्यूज के साथ। तो गाइज रोंडा राउजी ने आज रॉ के अंदर हील टर्न क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज रॉ के अंदर आपने देखा कि रोंडा राउजी ने लोगों को कहा कि मैं अब तुम्हारा डांसिंग मंकी बनकर नहीं रहने वाली हूं। साथ ही साथ उन्होंने बैकी लिंच की भी गंदे वाली पिटाई की। तो आखिर क्यों ये एंगल दिखाई दिया गया और क्या जरूरत पड़गी रोंडा राउजी के हील टर्न की, एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी सिंपल है। आप पिछले एक दो हफ्ते से देख रहे थे कि जो बैकी लिंच है उन्हें काफी ज्यादा चेयर मिल रहा था रोंडा राउजी के मुकाबले। और जब भी उनका कभी फेस ऑफ होता, जब भी वो एक दूसरे के करीब आती, तो वहां सिर्फ एक धुन बजती थी लोगों के मुंह से, वो थी बैकी बैकी। तो ऐसे में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू जान चुका था कि ये चीज वर्क नहीं करने वाली है। और यहाँ रोंडा राउजी अगर रेसलमेनिया के अंदर उतरती है ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर, तो उन्हें कैसा रिएक्शन मिलता, इस चीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। क्योंकि आप जानते हैं शार्लेट फ्लेयर हील है, वहीं बैकी लिंच फेस है, तो रोंडा क्या है। तो ऐसे में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब इसे हील वर्सेस फेस बना दिया है, जिसके अंदर शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी हील रहेगी। वहीं दोस्तों जो आपकी बैकी लिंच है वो हमें देखने को मिलेगी एज ए अंडरडॉग फेस, यानी कि एक ऐसा रेसलर जिसके जीतने के चांसेस कम रहेंगे ऐसा दिखेगा, लेकिन होगा इसका उल्टा ही। तो गाइज यहां काफी अच्छी चीज की, क्योंकि जो रोंडा राउजी है उनके ऊपर हील काफी जचता भी है। अगर आप UFC की फाइट्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी बैडएस थी वहां रोंडा राउजी। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है आपके लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोज से। तो दोस्तों डीन एम्ब्रोज का विलय आज द शील्ड में हो गया, लेकिन दोस्तों आज ऐसी खबर भी आई है जिससे शायद कुछ लोग खुश हो जाए। तो गाइस खबर यह है कि शायद डीन एम्ब्रोज WWE को ना छोड़े। दरअसल इस खबर को दिया है रिंगसाइड न्यूज ने। रिंगसाइड न्यूज की माने तो दोस्तों डीन एम्ब्रोज जो है वो अब द शील्ड के एक होने से शायद अपने प्लान्स चेंज कर सकते हैं और फिर से WWE को रीसाइन कर सकते हैं। तो यहां दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि डीन एम्ब्रोज WWE को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो कैरेक्टर है, यानी कि वो वाला कैरेक्टर जो कि उन्होंने तब निभाया जब उन्होंने सेथ को मारा, एक अजीब सा कैरेक्टर था। ना वो पागल लगते थे, ना वो क्रेजी लगते थे, वो कुछ और ही लगते थे। और ऐसे में दोस्तों WWE से वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे कि उन्हें इस टाइप का कैरेक्टर दिया गया है, और वो उसी कैरेक्टर के चलते WWE को छोड़ना चाहते थे। वो क्रिएटिव टीम से काफी ज्यादा परेशान आ चुके थे, लेकिन दोस्तों अब चीजें काफी स्मूथ होते जा रही है। रोमन रेंस लौट चुके हैं, द शील्ड फिर से एक हो चुकी है, और इसी के साथ उनका वो वाला कैरेक्टर भी खत्म हो गया है आज रॉ के अंदर। और गाइज पुराने डीन अब लौट चुके हैं, जिससे माना यह जा रहा है कि शायद अब WWE को वो ना छोड़े और उनके दिमाग में अब वो चीज आ जाए कि नहीं, मैंने WWE के साथ बने रहना है, और वो रिसाइन कर दे WWE को। लेकिन दोस्तों इस चीज की संभावना बेहद कम है, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो दोस्तों रोमन रेंस से जुड़ी काफी अच्छी अपडेट आपने पिछले कुछ एक दिनों में सुनी होगी, लेकिन उन अपडेट्स के अंदर एक नेगेटिविटी ये थी कि कई लोगों का कहना यह था कि रोमन रेंस का जो कैंसर है वो फेक था, वो एक वर्क था जो कि WWE ने इसलिए किया ताकि उन्हें चेयर मिले। तो गाइज यहां रोमन रेंस ने अपने कैंसर का टाइप आज बता दिया है और उन लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है। दरअसल रोमन रेंस की कैंसर से लड़ाई की कहानी कल WWE नेटवर्क के ऊपर दिखाई दी गई, यानी कि दोस्तों द क्रॉनिकल WWE नेटवर्क पर आई थी, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। उसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस ने बताया कि उन्हें CML टाइप की ल्यूकीमिया हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अंदर रोमन रेंस बोले कि मुझे CML हुआ था, और उसमें मुझे बताया ये गया था कि मर्दों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, मर्दों के अंदर इस कैंसर की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से जल्द क्योर किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ रोमन रेंस ने उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे वो बंद हो चुके हैं, और यहाँ रोमन रेंस भी लौट चुके हैं, और उनका पहला मैच फास्टलेन PPV के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, अगर पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक मारना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।